तो सनी भैया, अब स्टार्ट करते हैं आपकी YouTube जर्नी से, कि ये जो YouTube चैनल है, आज से 2 साल पहले आपकी बेटी ने चालू किया बिल्कुल, था। अनिशा ने स्टार्ट किया था जी जुलाई 2021 में। अच्छा तो पापा मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ, बना लूँ? मैं कहा बेटा बना ले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अनिशा ने कुछ वीडियोस डाली अपनी, बॉम्बे गए वहाँ पर भी डाली उसने। उसके बाद उसकी 10th क्लास की स्टडीज़ थी, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, तो मैंने उसको बोला तेरी स्टडी ख़राब हो रही है तो तू थोड़े टाइम चैनल बंद कर दे। तो इन द मीन टाइम जब तक जो उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा भैया इतनी मुश्किल से फॉलोअर बढ़े हैं आपके, 8-10 हज़ार, 10 हज़ार के आसपास फॉलोअर्स थे, तो आपके इतने फॉलोअर्स मेहनत से बने हैं, तो चैनल को बंद मत करो, इसको आप अच्छा कंटिन्यू रखो। तो मैं कहा स्टडीज़ कह रहा आप चलाओ ना भैया, क्या दिक्कत है। फिर अच्छा मैंने वीडियोज़ डाली 2-4, फिर मैंने पहली वीडियो डाली थी, हम करतारपुर साहब गए थे हाँ जी जब हम सब लोग गए थे फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर डाली वीडियो, लोगों ने इतनी अच्छी लाइक की, वो मतलब पहली वीडियो में 50-60 हज़ार के आसपास हाँ एक दो जी दिन में ही व्यूज़ उसके आ गए थे। जी तो उसके बाद फिर देख के मोटिवेशन मिला अपने बिल्कुल आप को, लगा अच्छा भी लोग लाइक कर रहे हैं, जी फिर बनाते 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 वीडियो आज आपके सामने ही है, देख लो। बिल्कुल। तो अब जैसे आपने बोला भैया कि जट प्रभजोत भाई और शैंकी भाई अभी आपको इंस्पिरेशन दी थी, बिल्कुल दिए जी, तो उनका कितना ज़्यादा इंस्पिरेशन रहा है ये यूट्यूब जर्नी में? काफ़ी रहा है। देखो आप लोग हमें जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जानते हैं, तो पहचान तो हमें जट प्रभजोत की वजह से ही मिली है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी बाकी आगे मेहनत हमारी है, बिल्कुल जितनी मेहनत हमने की है वीडियोस बनाने में तो वो अपनी मेहनत है। जी अच्छे व्लॉग बना रहे हैं तभी लोग लाइक कर रहे हैं, जी ये तो कौन किसका देखता है, कोई भी नहीं बिल्कुल देखता। बिल्कुल बाकी आपने देखा होगा कि मैं उस जट प्रभजोत के व्लॉग में नहीं आया ज़्यादा, हार्डली बिल्कुल कुछ वीडियोज़ में आया हूँ, हाँ जी और उनको भी मैंने अपनी वीडियो में नहीं लिया। हाँ जी उसका रीज़न ये है कि मैं सेल्फ मेड बनना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल किसी का नाम यूज़ करके बनना अपने हाँ आप को नहीं अच्छा लगता वो हाँ जी। चीज़। तो ये जो आप पाकिस्तान गए थे जो आपने बोला, तो आप लगभग कितनी बार पाकिस्तान गए हैं? पाकिस्तान तो मैं काफ़ी बार गया हूँ जी, गिनती नहीं है, अच्छा लास्ट 2006 में गया हूँ, उसके बाद नहीं गया, उससे पहले तो बहुत बार गया हूँ, बचपन से ही जा रहे हैं। अच्छा क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारे गुरु नानक देव जी का बर्थडे जो ननकाना साहब पाकिस्तान में है, हाँ जी पंजा साहब गुरुद्वारा है गुरु नानक देव जी का रावलपिंडी के आगे जाकर, हाँ जी और लाहौर में गुरुद्वारा है गुरु रामदास जी का है, नहीं सॉरी गुरु अर्जन देव जी का गुरुद्वारा है हाँ जी डेरा साहब, अच्छा तो सारे गुरुद्वारा को दर्शन किए हुए हैं और साथ साथ थोड़ा बहुत घूमे भी हुए हैं वहाँ पे। अच्छा तो लगभग आप कितनी सिटीज़ पाकिस्तान की घूम रखी है? मैं जी लाहौर घूमा हूँ, रावलपिंडी घूमा हूँ, इस्लामाबाद घूमा हूँ, जो जो गुरुद्वारे के आसपास है तो घूमा हुआ सारा। तो पाकिस्तान है कैसा बेसिकली? सर दिल्ली और लाहौर में कोई फ़र्क नहीं है, जो अच्छा दिल्ली की लाइफ है वो सेम लाहौर की लाइफ है जो अच्छा मैंने देखा है। अच्छा खाने पीने की वहाँ पे काफ़ी अच्छी है, आपको वहाँ पे फूड स्ट्रीट करके एक है, हाँ जी तो काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, खाना भी बहुत अच्छा है, हाँ काफ़ी जी फेमस है, जो रात को ही चलती है, हाँ जी मतलब रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक ओपन रहती है, हाँ जी और वहाँ पे हैपनिंग भी इतना अच्छा है, खाना भी अच्छा है, मतलब अच्छी जगह है। अच्छा एक वो जो इंसिडेंट हुआ था फैमिली के साथ सूट वाली शॉप पे, वो क्या था? सूट वाला शॉप का सर ये हुआ था, मैं ये बात है 2003 की, जी मैं और मेरी मदर घूम रहे थे लाहौर की मार्केट में, अनारकली बाज़ार था वो मेरे को हाँ जी याद है, तो वहाँ मम्मी शॉपिंग जब भी जाते तो अनारकली से काफ़ी सूट लेते थे, जी तो एक सूट की शॉप पे हम लोग बैठे थे, सूट देख रहे थे वहाँ पे, तो दो आदमी मम्मी के साथ वाली सीट पे आके बैठे कि वहाँ पे ना माता जी को बीबा जी बोलते हैं जो भी बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे मेरे को मेरी वाइफ के लिए सूट चॉइस करवा दो, आपकी चॉइस की हम लेंगे कि आपका टेस्ट अच्छा लग रहा है, हाँ जी तो मम्मी ने 2-3 सूट उनको चॉइस करवा दिए, तो वो चले गए। हम जब अपना बिल देने काउंटर पे गए तो जो ओनर था शॉप का, उसने 2 पैकेट मम्मी के हाथ में दे दी कि ये आपके लिए, वो देकर गए हैं, अच्छा तो हम लोग एकदम सरप्राइज हो गए, कैसे हो सकता है, मतलब खातिरदारी इतनी अच्छी उन्होंने की, इतना अच्छा। मतलब अच्छा मैंने ये भी देखा, आप टैक्सी में जाते हो आपसे पैसे नहीं लेते, अच्छा आप इंडियन इंडियन होने पे इंडियन मतलब आप इंडिया से आए हो, आप हमारे मेहमान हो, हमारे पड़ोसी हो, आप हमारे बड़े भाई हो, अच्छा मतलब हॉस्पिटैलिटी उनकी जो है बहुत अच्छी है, जो अच्छा खुद से देखा है, मैं किसी तो के कहे सुने पे बिलीव नहीं करता, हाँ जी अपने आप जो फील किया, अपने आप जो देखा है वो चीज़ बता रहा हूँ। तो अब आप पाकिस्तान के ट्रेवल व्लॉग्स कभी आ सकते हैं पाकिस्तान के ट्रैवल व्लॉग्स बहुत जल्दी तो नहीं आएंगे, जब आगे देखो जब ट्रेवल गए, रिज्यूम हुए? क्योंकि वहाँ जाना आसान नहीं है, आपको पता है, बिल्कुल साल में 3 बार ही मौका मिलता है जाने का, हाँ बैसाखी पे, गुरु नानक बर्थडे पे, और शहीदी गुरुपर्व जून में आता है तब मिलता जी है, जी तो नवंबर में उम्मीद देखो अभी शायद कम है, कोई मेरे और प्लान है, हाँ तो जी अगले साल शायद एक आधा कोई सीन बनेगा तो बनेगा, उसमें देखो अच्छा आपको दिखाएंगे अगर गए तो। बिल्कुल बिल्कुल हम सब वेट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल एक पाकिस्तान का भी एक टूर दिखाएं, कैसा है पाकिस्तान वो सब बिल्कुल भी देखना है। दिखाएंगे, मौका लगा गए तो जरूर दिखाएंगे, ये भी बिल्कुल प्रॉमिस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप जैसे धीरे धीरे हमने देखा है कि आप धीरे धीरे ट्रैवल व्लॉगिंग की तरफ भी आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा सर है? ट्रैवल ब्लॉगिंग, ट्रैवल मेरा पैशन है,
हाँ जी मेरे को घूमने का बहुत शौक है, ये तो यूट्यूब अब चालू हुआ है मैं पहले से ही घूम रहा हूँ, बहुत ज़्यादा घूम रहा हूँ। हाँ जी और 82 से लेके 2014 तक हमने ट्रेवल एजेंसी का ही काम किया है, होटल पैकेजेस वगैरह, मतलब इस लाइन का मैं कीड़ा हूँ एक तरह से आप कह सकते हो, जी बहुत समझ है इस चीज़ की। अब मैंने कहा जब यूट्यूब पर अगर मैं इतना कुछ डाल रहा हूँ घूम रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ मैं घूम रहा हूँ वो चीज़ मैं दिखाऊँ और साथ साथ उसका बिजनेस भी करूँ, हाँ जी मतलब पैकेजेस भी बेचूँ, जी तो डबल फायदा है, नुकसान तो बिल्कुल कुछ है नहीं, बिल्कुल क्योंकि हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना कुछ है हमारे को दिखाने के लिए, आपको जंगल हमारे पास है, बीचेस हमारे पास है, हिल स्टेशन हमारे पास है, डेजर्ट हमारे पास है, जी क्या नहीं है। बिल्कुल दुनिया को अगर हमारी गवर्नमेंट हमारा टूरिज्म अच्छे से प्रमोट करे तो दुनिया को हम लूट के खा सकते हैं, सीधी भाषा में हम कहते हैं, एग्रीड। पर इस तरफ ध्यान किसी का नहीं है अभी, जी हम लोगों का ध्यान हम सिंगापुर चले जाए, दुबई चले जाए, थाईलैंड चले जाए, जो हमारे से छोटी सी कंट्री है, हाँ जी पर कितना टूरिज्म के ऊपर देखो कुछ कमा रहे हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल तो मेरी कोशिश है कि अपने चैनल के थ्रू मैं ऐसी ऐसी जगहें आपको दिखाऊँ जो अनसीन हो, हिडन हो, बिल्कुल, जिसके बारे में लोगों ने कभी सुना ना हो, देखा ना हो, इतनी बढ़िया बढ़िया जगह है हाँ जी अगर आप देखने जाओ तो। तो एक अभी अभी मैं अगले हफ्ते से ही आप कह सकते हो कि शुरू कर रहा हूँ, अच्छा, महाराष्ट्र की मैंने कुछ ऐसी 3-4 जगह देखी हैं जिनको आप मिनी स्कॉटलैंड के नाम से भी जानते हो, अच्छा, जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, अच्छा, तो वहाँ के व्यूज़ अगर आप देखोगे, कुछ देखोगे तो ब्लॉग में देखोगे आपको पता लगेगा अपने आप, जी, ताकि टूरिज्म में एक इंटीरियर में भी आए, हाँ ये नहीं कि आप दिल्ली घूम लिया, बॉम्बे घूम लिया, हैदराबाद घूम लिया, एग्रीड, अंदर इंटीरियर में बहुत कुछ है, वहाँ भी घूमो एक बार देखो। जी जी तो आने वाले दिनों में आपको जो मेन मेन नए नए ट्रैवल ब्लॉग देखने को मिलेंगे, आप बिल्कुल फैमिली के साथ ट्रैवल ब्लॉग ज़्यादा मिलेंगे, बहुत अच्छा, एक नया कंसेप्ट ऐड कर रहे हैं, मतलब वो लोगों को ज़्यादा मज़ा भी आएगा, मज़ा आएगा बिल्कुल, जहाँ तक मुझे लगता है, जी बाकी अब आने के बाद तो नहीं, क्या बिल्कुल होता है। बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ बहुत एक आप जो आप आपने अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, आप एक बार वाघा बॉर्डर गए थे और उधर आपने हाँ जाके अपने ब्लॉग में बोला था यहाँ पे प्राउड इंडियन की फीलिंग आ। सर वो तो प्राउड टू बी इंडियन तो हमेशा बोलते ही हैं जी, पर वहाँ जाके जब लोगों का जोश देखते हैं ना तो फिर अपने आप को फील होता है सर, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अच्छा, अपने आप ही अंदर से आवाज निकलती है प्राउड टू बी इंडियन, इंडियन है और इंडियन रहेंगे। तो वो माहौल कैसा रहता है उधर? एकदम जोशीला सर, मजे वाला माहौल, अच्छा, जाके देखो, मैं तो बोलता हूँ जो नहीं गए एक बार जाके देखना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।